हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों को सब्जी खिलाने की सीक्रेट रेसिपी बनाना बता रही हूं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। कप से मेजर करके 3 कप सूजी को लिया है। सूजी मेरी मीडियम वाली है, ना ही ज्यादा बारीक है ना ही ज्यादा मोटी है। इस तरह से इस कप से मैंने 3 कप सूजी लिए। इसी के अंदर मैं 1 कप ये खट्टा दही डाल रही हूँ। दही आप खट्टा वाला यूज करेंगे तो इसका टेस्ट जो है काफी बढ़िया आएगा। इन दोनों चीजों को मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ। इसी के साथ में मैं पानी डाल के इसका थोड़ा सा मीडियम बैटर बना लूंगी, ना ही ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। इसे मैंने इस तरह से घोल के तैयार कर लिया है। ये देखिए अभी इतना गाढ़ा है। इसे अभी हम फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है जितना एक्स्ट्रा पानी इसका पूरा सोख लेगी। मुझे इसे रखे हुए 10 मिनट का समय हो चुका है। इसी के अंदर मैं 2 चम्मच घर की जो फ्रेश मलाई रहती है उसे डाल रही हूँ। इसे मैंने फ्रिज से पहले से ही निकाल के रख दिया था। इसी के अंदर मैं टेस्टी के हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैं 1 कप ये फ्रेश मटर डाल रही हूँ। मटर को मैंने अच्छे से धो लिया था। 1 आलू बारीक कटा हुआ, इसे भी मैंने अच्छे से पानी में डुबो कर रखा था, उसके बाद इसका पूरा पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया है। 1 गाजर बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर मैंने थोड़ा सा कड़क वाला यूज करा, जो एकदम सॉफ्ट रहता है टमाटर उसका यूज आप मत कीजिए। इसी में धनिया पत्ती डाल रही हूँ। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी के अंदर मैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए। देखिए इसमें मैंने सारी सब्जी को मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट रख दिया था, ये एकदम अच्छे से फूल के गाढ़ा हो गया है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मीडियम बैटर इसका बन जाएगा। गैस पे मैंने तड़का पैन रखा है। इसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। इसके अंदर मैं 2 चम्मच ये राई डाल रही हूँ। गैस को मैं बिल्कुल कम कर रही हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसी के अंदर 2 चम्मच ये मैंने तिल ले ली है, 3 हरी मिर्ची बारीक काट के, थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते लिए 12 से 15, इसे भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। इस तरह से हम अच्छे से इसे सबको चटका लेंगे। गैस को मैंने बिल्कुल कम कर दिया ताकि कोई भी चीज हमारी जले ना। सारी चीजें हमारी अच्छे से हो चुकी। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। ये तड़का सीधा आप उसी में डाल दीजिए। तड़के को इस तरह से डायरेक्ट पूरा इसी के अंदर डाल रही हूँ। आपको ये गरम गरम डालना है, ठंडा करने के बाद नहीं डालना। इसे हम तुरंत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैं 1 चम्मच खाने का सोडा डाल रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा ये मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना, बेकिंग पाउडर में ज्यादा नहीं डालना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। कढ़ाई को मैंने अच्छा गर्म करने के लिए रखा था तेज गैस पे। कढ़ाई मेरी अच्छी गर्म हो चुकी है। गैस को मैंने बिल्कुल लो कर दिया। इसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल के पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला दिया। कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं, बस नीचे से जो है हिस्सा इसका थोड़ा सा गहरा होना, इससे कि इसका शेप जो एकदम बढ़िया आता है। मैंने 2 चम्मच बैटर लिया है, आप इसके अंदर डाल दीजिए। पहली बार हम बनाएंगे उसमें हमें थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है। उसके बाद क्या कढ़ाई पूरी अच्छे से चिकनी हो जाती है तो हमें बार बार ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। गैस को बिल्कुल आपको कम रखना है। आपके पास छोटे साइज की कढ़ाई है तो छोटे साइज की कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं। इसका ढक्कन ढक के इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी। जिसे डाले हुए 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है, एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं।
ये ऊपर से इस तरह थोड़ा थोड़ा ड्राई नजर आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। पहली पहर में आपको जो ऑयल है उसको थोड़ा सा ज्यादा डालना है, इस तरह से हम पलट देंगे। पीछे हमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं, अगर आपने कम डाला है तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। इसका वापस हम ढक्कन लगा देंगे और इस तरह से इसमें भी हम थोड़ा सा कलर आने देंगे। इस साइड से करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है, इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है, इसे मैं निकाल देती हूँ। इसी के अंदर मैं दूसरी बार का बनने रख रही हूँ, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच मैंने तेल लिया है। तेल को आप थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। देखिए तेल गर्म हो चुका है, जो हमने ये बैटर तैयार किया था इसे मैंने एक बार और थोड़ा सा फेटा है, उसके बाद पूरा आप इसके अंदर डाल। इसे बिल्कुल हमें हल्का सा ही फैलाना है, इसे हमें ज्यादा फैलाना नहीं, सिर्फ एक शेप देना है ताकि इसका एक गोल शेप आ जाए। इसके बाद इसका ढक्कन जो है अब तुरंत लगा दीजिए। गैस को मैंने बिल्कुल मीडियम करके रखा है, मतलब लो से थोड़ा सा ज्यादा। बस इसी तरह से इसे हम 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। इसे कट करने के लिए आप स्टील के बर्तन का ही यूज कीजिए, क्योंकि गरम गरम है, गरम गरम को हम प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इस पर कट का निशान लगा लेंगे। पूरी तरह से मैं नहीं काट रही हूँ, सिर्फ कट का निशान लगा रही हूँ। काफी गर्म है, ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जाली नजर आ रही है। इसी तरह से कट करके मैं सारे तैयार कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से मेरे सारे बनके तैयार हो चुके हैं, बाकी के और बन रहे हैं मेरे, क्योंकि इसे गरम गरम खाने में काफी ज्यादा मजा आता है। सर्दियों का मौसम है, इसे आप गरम गरम खाएंगे तो खाने में काफी टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा ये ठंडे होने के बाद भी अच्छे लगते हैं, पूरी तरह से ड्राई नहीं होते, थोड़े से कड़क ही रहेंगे ये। मतलब आप अगर ठंडा भी इसे खाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि टेस्ट में खराब लग रहा है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी बना के रख सकते हैं। ये देखिए एक पीस मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया इसका कलर आया है, सारी चीजें कितनी अच्छे से दिख रही है। राई वगैरह भी हमने जो डाली इसके अंदर सारी चीजें दिख रही है, और अंदर से देखिए सारी सब्जियां, बच्चे सब्जी नहीं खाते, इस तरह से सारी सब्जियां उनको आराम से इजिली उनके शरीर में चली जाएगी। देखिए कितना बढ़िया है, और आप देख सकते हैं इसमें जाली भी कितनी अच्छी दिख रही है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो उसे स्किप कर सकते हैं। जो बच्चे आपकी सब्जी नहीं खाता वो भी इसके अंदर आप डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अलावा इसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, बस कढ़ाई में एक बार स्टार्टिंग में बनाते समय आपको थोड़ा सा ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करना है, उसके बाद कढ़ाई जो है हमारी थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, उसके बाद आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इजीली ये निकल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत आपको इसे बनाने में नहीं आना है। इसे आप किसी भी चीज के साथ में खा सकते हैं, इसे मैंने केचप के साथ में, इसके अलावा मैंने तिल्ली की चटनी बनाई थी, इसका वीडियो मेरा डला हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, ये काफी टेस्टी लगती है खाने में। इसके अलावा इसे आप ग्रीन चटनी, जो नॉर्मल चटनी रहती है, उसके साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।